दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज मैं आपको Zerodha.com वेबसाइट पे एक नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप बहुत ही इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया अपने डीमेट अकाउंट में। बाकी गाइस यहाँ पे मैंने चार्ट IQ का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है जिसमें फिलहाल यहाँ पे मैंने SBI का चार्ट ओपन किया है। अभी जो भी नया फीचर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सो इस तरीके का एक विंडो आ जाएगा। अभी जो विंडो है इसमें यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कोई लिमिट ऑर्डर लगाना है सो यहाँ पे आप आओगे, जो भी प्राइस का आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है सो यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हो। और बाकी जो भी विंडो है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में CNC देखने को मिलेगा, एंड जो भी पोजिशन है इसको आप डिलीवरी में बाय कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे MIS कर दोगे सो फिर यहाँ पे जो भी आपका पोजीशन रहेगा इंटरडे में बाय होगा उसको आपको सेम डे एग्जिट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हो उसे यहाँ पे आप क्वांटिटी इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपको बाय कहना है कि सेल कहना है, इस तरीके से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाना है इस प्राइस पे 752 की प्राइस पे। सो यहाँ पे मैं जैसे बाय पे क्लिक करूँगा सो यहाँ पे हमारा एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। अभी जब तक SBI का 752.50 पैसा नहीं आएगा ये तब तक हमारा ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी जो भी ऑर्डर है इसको अगर आपको मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है सो इस पर आपको क्लिक करना है, इस तरीके से आ जाएगा दोबारा से। यहाँ पे आप क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे आप क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इसको प्राइस को चेंजेस करना है सो इस तरीके से यहाँ पे आप चेंज भी कर दोगे। एंड जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे सो जो भी आपका ऑर्डर रहेगा मॉडिफाई हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है 757.50 का लग गया है। अभी जैसे उस लेवल पे प्राइस पहुँचेगा सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी गाइस आप ऊपर ट्रिगर ऑर्डर लगा सकते हो, नीचे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है इस ऑर्डर को सो फिर से आप आपको इस पर क्लिक करना है, एंड जो भी इसका करंट प्राइस चालू है उसी के आसपास यहाँ पे आपको लेके छोड़ देना है। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे उससे पहले यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 757.50 पैसे पे। अभी गाइस जो भी आपका पोजिशन रहेगा सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोजिशन में, आपको यहाँ पे चार्ट पे कोई भी पोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। सो जैसे यहाँ पे आप पोजिशन में आके देखोगे सो करेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना उसमें आपको लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो भी ये विंडो रहता है उसके जरिए आप बाय सेल कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको सेल का बता रहा था, सो फिर से यहाँ पे हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम CNC की जगह MIS करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरडे में बाय किया है, उसके बाद क्वांटिटी एक ही रहने देंगे, बाय की जगह सेल करेंगे। एंड यहाँ पे आप देखोगे जो भी प्राइस है यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे। सो जो भी ऑर्डर है यहाँ पे आप देखोगे ट्रिगर ऑर्डर फेल हो गया है। फिर से यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, अभी जो प्राइस है थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, CNC की जगह MIS करेंगे। सो यहाँ पे आपको बार बार ये चेंजेस करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा सेल ऑर्डर इस लेवल पे प्लेस हो गया है। अभी जैसे यहाँ पे प्राइस पहुँचेगा तब जाके एग्जिट होगा, नहीं तो गाइस तब तक एग्जिट भी नहीं होगा। अभी देखते एग्जिट होता है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे सेल ऑर्डर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है, बाकी यहाँ पे हम पोजीशन में आके देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा पोजीशन था SBI में सो इसमें सक्सेसफुली क्लोज हो गया है, यानी सेल हो जा रहा है चार्ट से ही। बाकी गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अपने MIS में बाय किया था कि CNC में बाय किया था। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप चाहो तो इसको ट्रेड कर सकते हो इसके जरिए भी। एंड बाकी इस रही बात ऑप्शन की, सो चलिए मैं आपको किसी ऑप्शन का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। सो चलिए यहाँ पे जो भी पुट ऑप्शन है इसी को ओपन कर लेते हैं, इसका चार्ट ओपन करेंगे। अभी इसका प्राइस चालू है 188 पे। अगर यहाँ पे हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे सो इस तरीके से फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल और MIS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नॉर्मल में आपका जो भी पोजीशन रहता है इसको आप होल्ड करके रख सकते हो, और MIS में जो भी पोजीशन रहता है इसको आप इंटरडे में बाय करोगे और आपको सेम डे एग्जिट करना पड़ेगा। सो गाइस जैसा मैंने आपको स्टॉक में बताया था आप उसी तरीके से ऑप्शन में भी कर सकते हो। फिर चाहे आपका कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, सब में आप सेम तरीके से लिमिट ऑर्डर को लगा सकते हो, ट्रिगर ऑर्डर को लगा सकते हो, और आप यहाँ पे जो भी करंट प्राइस चालू रहता है उसी पे जाके इसको आप इमीडिएटली भी बाय सेल कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाऊं, सो यहाँ पे मैंने MIS किया है 50 क्वांटिटी किया है, और बाकी गाइस यहाँ पे मैं बाय का रहने देता हूँ एंड बाय पे क्लिक करूँगा। सो जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपका एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा कुछ इस तरीके से। बाकी गाइस अगर आपको इसको कैंसिल करना है सो यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। सो जो भी आपका ऑर्डर रहेगा कैंसिल हो जाएगा। सो गाइस आप कुछ इस तरीके से जो भी ये नया फीचर्स है सो इसके जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड बाकी गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है सो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।